अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कोविड में रहते हैं या कोविड की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। सबसे पहले हम आप इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पिछले 24 घंटे के अंदर जो कोरोना वायरस की रिपोर्ट है उसके हवाले से बात करेंगे, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया उसके हवाले से बात करेंगे और कुछ जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कितनी फ्लाइटों ने उड़ान भरी है उसके हवाले से बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें 17 कुवैती हैं और 7 जो हैं नॉन कुवैती हैं, यानी कि एक्सपर्ट लोग हैं जो अजनबी लोग हैं काम करने के लिए गए हैं। अगर आप भी कुवैत के अंदर काम करने के लिए गए हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और बेफजूल बेमतलब बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है गिरफ़्तार किया जा रहा है, हो सकता है आप भी इस प्रॉब्लम में फंस जाएँ। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो है पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मालूम हो सके अभी कुवैत के अंदर क्या चीज़ चल रही है क्या चीज़ नहीं चल रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिकवरी की, पिछले 24 घंटे के अंदर कितने लोगों की रिकवरी हुई है। 530 लोगों की जो है रिकवरी हो चुकी है और जिसमें कि टोटल रिकवरी 31,770 हो चुकी है और 24 घंटे के अंदर 4 लोगों की मौत हुई है, टोटल मौत 330 हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं नए केस की, जो 24 घंटे के अंदर नए केस आए हैं वो आए हैं 641 और टोटल केस हो चुके हैं 40,291। अब जिसमें के 3,216 जो है वो टेस्ट हो चुके हैं और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 357,594। अब अभी भी जो है एक्टिव केसेस हैं वो 8,191 है, सीरियस केस 181 हैं। अब जो कुवैत के लोग हैं वो है 383, यानी कि 59% जो है कुवैती हैं और 258 जो लोग हैं वो नॉन कुवैती हैं, जिसमें के 40% जो आते हैं नॉन कुवैती आते हैं। अब सबसे ज़्यादा केसेस किस एरिया में आए हैं, अल जहरा में जो आए हैं 195 आए हैं, अल अहमदी में जो आए हैं वो 180 आए हैं, अल फरवानिया में 120 आए हैं, वल्ली में 81 आए हैं, कैपिटल में 65 यानी कि 65 आए हैं। अब बाकी जो अदर जगहों पर जो कमी कम आए जैसे जलेबल सोएग में 28 आए हैं, फरवानिया 22 और जगहों पर जो है कमी कम केसेज आए हैं। अगर आप भी किसी एरिया में रहते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा ताकि आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, आज की डेट में 14 फ्लाइटें जो हैं अलग अलग देशों के लिए भेजी गई हैं, जिसमें के जितने 2,320 यात्रियों ने सफ़र किया है और ये वो लोग हैं जो एमरजेंसी में जाना चाहते थे, जो इलीगल तरीके से काम करते थे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।